और अब वो मामला जिसने हड़कंप मचा दिया। जी हां, धनबाद के एक्सिस बैंक से करोड़ों की ठगी का मामला, साइबर क्राइम का मामला। एक्सिस बैंक के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के खाते से जिस तरह से 1.5 करोड़ फर्जी निकासी की गई थी, इस मामले में एसआईटी के हाथ अब तक खाली हैं। बता दें आपको कि 29 और 23 मई को हैकर्स ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की निकासी कर ली थी, वो भी आरटीजीएस के जरिए। पहले तो 19 खातों में ट्रांसफर की गई ये राशि, लेकिन उसके बाद अलग से 150 खातों में भेजी गई वो राशि दोबारा ट्रांसफर हुई। और जब उनमें से कुछ अकाउंट होल्डर से पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी तरह से अपनी अनभिज्ञता जताई है। जिस तरह से हमने अपने संवाददाता से बातचीत की उसके बाद उन्होंने ये बताया कि कई बार ऐसा होता है कि साइबर क्रिमिनल्स ऐसे फर्जी अकाउंट होल्डर्स को तैयार करते हैं कमीशन के लिए, यानी कि किराए पर वो अकाउंट लिया जाता है और उसमें पैसे ट्रांसफर करने के बाद कमीशन के आधार पर राशि बांट दी जाती है। लेकिन उनसे पूछताछ चल रही है कि आखिर कैसे ये इतनी बड़ी रकम हटाई गई बैंक से, खाते से अवैध तरीके से इसकी निकासी की गई। फिलहाल पूछताछ चल रही है, छानबीन पूरे देश भर में चल रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है।